स्टार्ट करें। आई एम डॉक्टर रौनक शाहिद, एस एल पल्मोनोलॉजी। I am Dr. Anand Shahid, SR Pulmonology at DHP Teaching Hospital site. Today we will discuss latest updates in the management of community-acquired pneumonia. So, starting from the house officers, आप pneumonia को कैसे define करेंगे? Daily आप patient देखते हैं pneumonia के कैसे define करेंगे? बहुत हद तक बेहतर। चलिए सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आज के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर पार्टिसिपेंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड निमोनिया, लिस्ट पॉजिटिव एजेंट, डिस्क्राइब प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ निमोनिया, डेमोंस्ट्रेट प्रॉपर इंफेक्शन, डिस्क्राइब अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिस्क्राइब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया एंड डिस्क्राइब डिफरेंशियल ऑफ नॉन डिसॉल्विंग निमोनिया। सो आपकी इन्फेक्शन बहुत आपकी डेफिनेशन बहुत हद तक बेहतर है। इट इज़ द माइक्रोबियल इन्फेक्शन विद इन द लंग पैरेन्काइम। इसके अंदर आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होते हैं आपके जहन में कुछ है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है या किस किस तरह के निमोनिया आप यहाँ पर डील करते हैं? ये बात अब क्लियर होगी। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कम्युनिटी इसलिए एक ना हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसका नॉर्मल इम्यूनिटी लेवल है उसे अगर निमोनिया होगा दैट विल बी द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अच्छा यहाँ पे 30-90 डेज हॉस्पिटल एडमिशन लिए, इसके अंदर एक चीज और भी मैटर करती है वो ये है कि पेशेंट की सिवियरिटी निमोनिया की उस वक्त हम कहते हैं जब पेशेंट ने एंटीबायोटिक रिसीव किया प्रीवियस 30 डेज में। ये आगे हम क्राइटेरिया देखेंगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया दो तरह से हो सकते हैं। ह्यूमरल इम्यून डिसफंक्शन यानी वो लोग जिन लोगों में पहले से कोई ना कोई डेफिशिएंसी या इम्यूनोग्लोबुलिन चल रही है, और दूसरी सेल मीडिएटेड उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें कोई कैंसर कीमोथेरेपी सॉलिड ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो, तो ये पेशेंट्स भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक्वायर करने के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। चलिए हाउस ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं जी। सिम्टम्स बताएं, आप बताएं जी सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के, पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा? फीवर तो हो गया और कफ हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, रेगुलर चेस्ट वॉइस लेवल ऑलमोस्ट यही है। कफ विद और विदाउट सिम्टम्स, डिस्पनिया, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, निमोनिया क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करेगा और साथ ही प्लूरेसी भी करेगा। प्लूरेसी इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, उसकी वजह से पेशेंट विल फील प्लूरिटिक चेस्ट पेन। फिर जनरल इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, शिवर, मेनिनजिया, आर्थ्रेलजिया, हेडेक, पार्पिटेशंस। पेशेंट में प्रेजेंटर्स डायरिया। आमतौर पे आपके ख्याल में कि कोई ऐसा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि डायरिया से रिलेटेड होता है? मोस्ट कॉमन, वैसे तो कोई भी कर सकता है, मोस्ट कॉमनली एटिपिकल में हम लिजियोनेला को कहते हैं। लिजियोनेला डायरिया के साथ एम्फियन भी जो है ये वैसे तो एक ग्रेट एक सिम्टम है पेशेंट को, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो लिजियोनेला हाइपोनेट्रीमिया करता है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से भी पेशेंट ड्राउजी हो सकता है, ठीक है। बाकी फिर सीएनएस कोई और फाइंडिंग्स वगैरह हो सकती हैं, जीबी सिंड्रोम हो सकता है माइकोप्लाज्मा के बाद,
और मल्टीपल चीज माइक्रोप्लाज्म में आपको सर्वाइकल न्यूक्लियोटाइड ऑफ टच मिल सकती है, हाइलाइट न्यूक्लियोटाइड ऑफ टच मिल सकती है, ठीक है। साइंस चलिए जी, अब नेक्स्ट साइंस बताइए, साइंस क्या क्या हो सकता है, क्या हो गया, ठीक हो गया, हाइपरटेंशन ठीक है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हमारे पास फीवर रिकॉर्ड हो सकता है, और चेस्ट एग्जामिनेशन में डरनल सुपरकशन फोकल साइन ऑफ चेस्ट एग्जामिनेशन यानी क्रैकल्स आपको मिल सकते हैं, उस जगह पे ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिल सकती है, और जहाँ पे ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी वहाँ पे इंक्रीज वोकल रेजोनेंस भी होगी, ठीक है, ये रोल आप लोगों ने याद रखना है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग आके वोकल आपके पास हत्या के दो ऑप्शन आपके पास होती हैं एग्जाम में, आप ब्रोंकियल ब्रीदिंग और वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमिटस, ठीक है, ये तीनों भी बता सकते हैं। वोकल फ्रेमिटस और वोकल रेजोनेंस में से किसी एक पर भी आप कमेंट कर दें कि जी ये वोकल रेजोनेंस है, वोकल फ्रेमिटस के ऊपर आप ना भी कमेंट करें तो ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक ही तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें वोकल रेजोनेंस इज मच मोर सेंसिटिव और ये कहीं बेहतर साइन है एज कम्पेयर टू वोकल फ्रेमिटस, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कॉजेटिव एजेंट्स, कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। रूटीन में अगर हम देखें एक्टिविटी कॉर्ड मोनिया, हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चूँकि कल्चर वगैरह हम रूटीन में भी सीवियर पेशेंट्स में भी नहीं करवाते पेशेंट हैविंग सीवियर नमोनिया, तो इसलिए हमारे पास जो है एक डेटा नहीं है कि मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिक कौन सा है, लेकिन अगर बुकिश नॉलेज देखें तो आपके ख्याल में इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, और अब आपके पास एक पेशेंट आ गया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का, उसको असेस कैसे करते हैं, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा अब चेंज शुरू हो गई है कि हमारे अब लेटेस्ट अपडेट्स जो है निमोनिया की कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के, अब कैसे चीज़ें वेरी कर रहे हैं। हमारे पास कर्व 65 स्कोर भी था, एक इससे ज़्यादा अच्छा ज़्यादा एक्यूरेट स्कोर निमोनिया सिवियरिटी इंडेक्स भी रहा है हमारे पास, लेकिन अब लेटेस्ट गाइडेंस सजेस्ट कर रही है एक और क्राइटेरिया आप उन्होंने आपको दी, बहुत ईजी क्राइटेरिया क्लिनिकली और अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च ये बहुत ही इफेक्टिव क्राइटेरिया थी। इसके अंदर उन्होंने दो क्राइटेरिया बना दी है, माइनर क्राइटेरिया और मेजर क्राइटेरिया। आपने पेशेंट को तो क्लासिफाई कर लेना है कि वेदर इट इज द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या कोई और डायग्नोसिस जो भी है, लेकिन उसके बाद सिवेरिटी कहाँ पे असेस करनी है इन क्राइटेरिया को। ये क्राइटेरिया जो है दिए हुए पहले भी दिए हुए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी ये क्राइटेरिया जो है कर्व 65 और निमोनिया सिवेरिटी इंडेक्स से कहीं बेहतर है। इसके अंदर मेजर क्राइटेरिया में अगर देखें ये ऑब्वियस है सेप्टिक शॉक विद नीड ऑफ वैसोप्रेसर्स या रेस्पिरेटरी फेलियर रिक्वायर्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। माइनर क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, PaO2 FiO2 रेशियो लेस देन 250, मल्टी लोबार इन्फिल्ट्रेट, कन्फ्यूजन डिसोरिएंटेशन, यूरेमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोटेंशन। अब इसमें वो क्या कहते हैं कि कब आपने इस निमोनिया को सिवियर लेबल करना है, वन मेजर क्राइटेरिया और थ्री और मोर माइनर क्राइटेरिया। यानी मेजर क्राइटेरिया तो ADS का मतलब है सिवियर निमोनिया, अगर मेजर क्राइटेरिया नहीं है इनमें से थ्री क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो ये इसका मतलब है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर निमोनिया। इसके अंदर अगर आप देखें मेजर क्राइटेरिया तो बड़े आसान है याद करना, सेप्टिक शॉक हो गया और साथ रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ये दो क्राइटेरिया तो बड़े इजी हैं। माइनर क्राइटेरिया को याद करने का आप लोगों को सिंपल सा मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइंस में आ जाए, रेस्पिरेटरी रेट, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ठीक है, इसके साथ ही हम बाज़ औक़ात जो है GCS में भी बात कर सकते हैं कन्फ्यूजन डिसोरिएंटेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद आप पेशेंट की इनिशियल लैब्स कौन सी करवाते हैं, CBC कराते हैं। CBC के अंदर देख लें आपके पास क्या आ जाएगा, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। इसके अलावा क्या है, RFTs, LFTs, एक्सरे कराएंगे, एक्सरे पे मल्टीलोबार इन्फिल्ट्रेट,
और उसके अलावा जनरल बाकी जो आप रूटीन इन्वेस्टिगेशन या बेसलाइन कराएंगे उसमें यूरिनिया आ जाएगा, और फर्दर अगर आपने जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की साथ एवीजीज भी कर लें PO2 ईजीएस पे। इस लिस्ट को इस तरह याद करने की जगह इस तरह से याद करेंगे कि वाइटल साइंस GCS, उसके अलावा एक्सरे चेस्ट, CBC, बेसलाइन, ये वो चीज़ें जो आप रूटीन में करवाते हैं। हाँ अलबत्ता जो है AVGs के ऊपर आप लोग किसी पेशेंट में जाते हैं, लेकिन सैचुरेशन आप लोग वैसे भी चेक करते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी ये लिस्ट बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। क्यों डॉक्टर फाइक आप रिपीट कर सकेंगे इनको, मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया? मेजर क्राइटेरिया में ये है कि सीवियर नमूनिया के साथ अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है उसको वेसोप्रेसर्स की जरूरत पड़ती है, तो देन इट वुड बी अ मेजर क्राइटेरिया। और अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में लाइक CO2 रिटेंशन के साइंस आ रहे हैं और ऑक्सीजन जो है हाइपोक्सीमिया हो रहा है और जो है उसके लिहाज से भी हम जो है वो ये भी मेजर क्राइटेरिया में आएगा। सो उसमें ये है कि कोई भी एक मेजर क्राइटेरिया आ जाए विद टिपिकल सिम्टम्स वगैरह जो है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, कफ है, स्पोटम है, फीवर है, तो फिर हम उसको एक ही क्राइटेरिया पे हम मतलब जो है उसको कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। बाकी जो है 3 or more माइनर क्राइटेरिया तकरीबन कर्व 65 वाले या रेस्पिरेटरी रेट है, फिर उसके बाद उसके अलावा कन्फ्यूजन है, यूरिमिया है, बाकी फिर साथ उन्होंने ऐड कर दिया है ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर लेस देन 36 के सीवियर शॉक के अंदर या मतलब जो उसके लिहाज से पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में जाएगा। और साथ अगर ऑब्वियसली इन्फेक्शन बहुत डिसमिनेटेड हो जाएगा सेप्टिक है पेशेंट, तो उसके लिहाज सेप्टिक शॉक और वो हाइपोटेंशन भी आ सकती है। और माइनर क्राइटेरिया सिंपल है, वाइटल साइंस है, साथ GCS आ जाते हैं, फिर साथ ही आप देखें कि CBC है, एक्सरे चेस्ट है, बाकी बेसलाइन है, और इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट आपकी ABGs आ जाएगी, जिसके ऊपर आप ABGs ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसके ऊपर आप PO2 FiO2। इस क्राइटेरिया की IDS है, ATS IDS है, अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, उनका क्राइटेरिया। सर इसकी बेसिस पे अगर 1 major या 3 minor आ जाते हैं तो ये प्रोग्नोसिस के लिए है, सीवियर निमोनिया आपकी मैनेजमेंट आपने किस साइड पे करनी है, पेशेंट को आईसीयू, बिल्कुल आपने आईसीयू एडमिशन करना है पेशेंट के साइन सिम्टम्स के लिहाज से। अगर 3 minor या 1 major है तो पेशेंट नीड्स आईसीयू। अब निमोनिया जो हॉस्पिटल एडमिशन वाला है उसके जो है दो ही इन्होंने बताए, KG whether it is non-severe or it is the severe, ये दो कैटेगरीज की कर दी, ठीक है, होपफुली ये पढ़ लिया सेवन आवर में चले जी। अच्छा जी, ग्राम स्टेन एंड कल्चर का क्या रोल है? अगेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए कि हमारी सेटिंग के अंदर कौन से कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं और वो किन ड्रग्स किन एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी है, जो ताकि हम एपिडेमिक्स हैं या कोई उसके लिहाज से भी कि सेम ऑर्गेनिज्म है या नहीं है ग्राम स्टेन, ये आपको अभी नहीं पता कौन से कॉमन है, लेकिन वो तो सर किताबी चीजें हैं ना। देखिए ग्राम हमने अपनी सोसाइटी में तो कभी नहीं किया, ग्राम स्टेनिंग का और मकसद ये भाई वो कहते हैं ग्राम स्टेन रूटीन में आपको जरूरत नहीं होती, सिर्फ तब करवानी है अपनी पेशेंट इज इंटीबेटेड इसके मुताबिक तो हमारे हर पेशेंट का ग्राम स्टेन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लीजियोनेला एंड स्यूडोमोनास ज्यूरिनरी एंटीजन, इसके बारे में ये कहते हैं जब तक के सिवियरिटी नहीं है निमोनिया की, जब तक कि आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे एंटीबायोटिक से रिस्पांस नहीं आ रहा, तब तक आपने जो है लीजियोनेला और न्यूमोकोक का यूरिन एंटीजन की जरूरत नहीं है, फायदा कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोकैल्सिटोनिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज द प्रोकैल्सिटोनिन। इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि मोर देन 0.25 है इट इज द बैक्टीरियल इन्वेजन, अगर लेस देन 0.1 है देन इट इज मोस्ट लाइकली वायरल या कोई और कॉज इसके अंदर सोचेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये प्रोकैल्सिटोनिन लेवल जो इनिशियल थेरेपी का उससे कोई रिलेशन नहीं है, इनिशियल थेरेपी पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन उसकी क्लिनिकल जो पिक्चर है उसके लिहाज से आपने स्टार्ट करनी है, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स देख के आपने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है।
अच्छा ये लाजिम बात है, जो मेजर क्राइटेरिया है जहाँ में हाइपोटेंशन वेसोप्रेसर की जरूरत है पेशेंट को, या रेस्पिरेटरी फेलियर है और पेशेंट्स को डायरेक्ट ऑफ आईसीयू एडमिशन की जरूरत है, ये एम्पिरिकल थेरेपीज है। ये देखें नो कॉमन मॉर्बिडिटीज और रिस्क फैक्टर फॉर एमआरएसएस सिरेमस आर द सिंपल एमॉक्सिसिलिन डॉक्सीसाइक्लिन या मेट्रोनाइड्स दे सकते हैं एनीवन एंटीबायोटिक। और कोमॉर्बिडिटीज को भी देखें, इन्होंने कहीं ना कहीं डिफाइन किया हुआ है कोमॉर्बिडिटीज को, यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये क्रॉनिक हार्ट लंग लिवर और रिनल डिजीज डायबिटीज अल्कोहलिज्म मेलिगनेंसी हो सकती है। इसके अंदर आपने पेंसिलिन या स्पेनोस्पोरिन यहाँ पे इन्होंने देखें, ये ऑगमेंटिन को इन्होंने कोएमॉक्सिक्लेयर को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ, एक इनमें से लेंगे और उसके साथ मैक्रोलाइड्स को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि हम जो सेप्टाक्सोन क्लेरिथ्रोमाइसिन, अब यहां पर ये देखिए एक चीज यहां पे इन्होंने डॉक्सीसाइक्लिन भी आप ऐड कर सकते हैं अल्टरनेटिव तौर पे, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन का ये डिस्क्राइब करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन आपने वहां देनी है जहां पे मैक्रोलाइड्स का कोई साइड इफेक्ट या किसी वजह से मैक्रोलाइड्स नहीं दे सकते, या आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेड कोई मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस है, अगर ये चीजें हैं फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन देंगे वरना मैक्रोलाइड देंगे। अच्छा ये है नॉन, ये आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं और नॉन स्वेयर में भी ऐसे चल सकते हैं, और नॉन स्वेयर में या आउटपेशन में आप मोनोथेरेपी विद फ्लोरोक्विनोलोन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आपने मोनोथेरेपी विद रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट के अंदर ये कोमॉर्बिडिटीज ना हो। कोमॉर्बिडिटीज जो है इसमें हमारे लिए लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है हम इसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हम क्विनोलोन्स को अवॉइड करते हैं। एक चीज तो ये होती है कि क्विनोलोन्स एक इफेक्टिव ड्रग ऑफ रेजिस्टेंस है, आपने रूटीन में यूज करना शुरू कर दी तो रेजिस्टेंस भी डेवेलप हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने क्विनोलोन दे दी पेशेंट को तो ये आपकी जो डायग्नोसिस जो टीबी की डायग्नोसिस की यील्ड जो स्कोर होता है वो बहुत लो हो जाती है, ये बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। इन दो वजह की वजह से हम क्विनोलोन को अवॉइड करते हैं। दूसरा क्विनोलोन के हार्ट डिजीज में क्यूटी इंटरवल भी प्रोलोंगेशन है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, डे फील्ड है, उन पेशेंट्स के अंदर हम फिर क्विनोलोन जो है वो अवॉइड करते हैं। वीनल के अंदर भी आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है क्विनोलोन से अगेन, तो क्या वो रिकमेंडेशन है पिछले कुछ अर्से में ये भी आता रहा कि जी क्विनोलोन तो आपको खास तौर पर मॉक्सिफ्लोक्सासिन तो देनी नहीं चाहिए, बैन हो जानी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि जी डोज क्या क्या चलेगी। एमॉक्सिसिलिन सिंपल एमॉक्सिसिलिन जो है उसकी डोज हम देते हैं आमतौर पर हमारी रूटीन क्या हम कितने मिलीग्राम देते हैं, थ्राइस डेली हम 500 मिलीग्राम देते हैं, इन्होंने 1 ग्राम डोज दी हुई है थ्राइस डेली, बिल्कुल। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम, एजिथ्रोमाइसिन 500 फर्स्ट डे देन 250 ओडी, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 डेली, और एक्सटेंडेड रिलीज है वो तो 1000 ग्राम डेली है। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी तकरीबन वही डोजेस हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो हम रूटीन में यूज करते हैं सिर्फ यूरोक्साइन या सिर्फ प्रोटोक्साइन तो कम ही यूज होती है मेरे ख्याल, बाकी चीज़ें ऐसी हैं। क्विनोलोन देखें लिवोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम डेली ओडी में डोज, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ओडी में और जेमी भी ओडी में, ठीक है। अच्छा ये एक नई एक टेट्रासाइक्लिन है, मेटासाइक्लिन और एक और नई एंटीबायोटिक है, ये भी हमारे सेटअप में नहीं है एफएमयू, लेकिन जब आएगी तब देखते हैं इसका क्या स्पेक्ट्रम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इम्यूनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं, पहले ये कहते थे कि जी इसका कुछ रोल कुछ ना कोई प्रोबेबल रोल हो सकता है, लेकिन अब कहते हैं कि जी इसका कोई रोल नहीं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितनी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितनी होनी चाहिए, 7 to 14 days डिपेंडिंग ऑन 5 to 7 days, लेकिन कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ सकता है। वो यही कहते हैं कि पेशेंट शुड फील बेटर इन द फर्स्ट 48 to 72 आवर्स,
अगर नहीं हो रहा फिर आपको ज्यादा मजीद इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, फिर इसका मतलब है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होगा। 5 days is sufficient. 5 days का मतलब ये आपके इंजेक्टेबल ओरल मिला के 5 days होने चाहिए। तो वो क्राइटेरिया अच्छा। तो फीवर सेटल होने या कोई बिल्कुल सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स सेटल हो तो उसके बाद सिम्टम्स आपके यही हैं जो आपको वो सारा माइनर क्राइटेरिया बताया लाजमी होता है। मेजर वाला तो आपका आईसीयू में है, जो माइनर क्राइटेरिया उन्हीं चीज़ों को देखें और पेशेंट को उस लिहाज से आप लोगों ने डिटरमिन करना है कि क्या। और लॉन्ग ट्रीटमेंट कहाँ पर चाहिए, जहाँ पे फ्लेयर नमूनिया इस कॉम्प्लिकेटेड विद मेनिनजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और अदर डीप सीटेड इन्फेक्शंस, या लेस कॉमन ऑर्गेनिज्म अगर कॉलरिया सिडोमेलाई या टीबी सस्पेक्ट कर रही है, फंगस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अपने डिफरेंशियल भी देख लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है फॉलोअप कैसे करना। फॉलोअप में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने पेशेंट का साइंस सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है, उसके एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि अगर 5 days में पेशेंट की ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 5 days है और आपका पेशेंट क्योर होकर जा रहा है, उसको फॉलोअप एक्सरे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि लिटरेचर ने ये भी सजेस्ट किया है कि एक्सरे चेस्ट में जो शेवल्स हैं अंदर रिजॉल्व होने में अबाउट मोर देन 70% रिजॉल्व होंगे अबाउट 30 days, 4 weeks, 2 weeks के अंदर अबाउट 50% हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सरे चेस्ट आपके फॉलोअप का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जहाँ पे पेशेंट आपका डिटेरियरेट हो रहा है, पेशेंट क्या इम्प्रूव नहीं हो रहा, वहाँ पर तो आप लाजिम बात है देखेंगे एक्सरे चेस्ट करवा के कोई नए शेडोज हैं, कोई नई चीज़, कोई उसके अंदर पैरानोमोनिक फ्यूजन, कोई एम्पाइमा वगैरह तो नहीं डेवलप हो। नेक्स्ट ये एक है, देखिए नॉन स्मेयर नमोनिया और स्मेयर नमोनिया, इनमें अब फर्क क्या आ जाता है, या बाकी ये MRSA सुडोमोनास बाकी चीज़ें दोनों की तकरीबन सेम आ जाती हैं। आपने एडमिशन करना है पेशेंट को और पेशेंट को जो है इंजेक्टेबल दे देने हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे सर्टेन रेजीम आ जाती है, बीटा रेकर प्लस मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन अलोन। सीवियर के अंदर आपने फ्लोरोक्विनोलोन अलोन ही देने, बीटा लैक्टम फिर भी देना। स्टार्ट आपने एम्पिरिक थेरेपी से करनी है, लेकिन जहाँ पर आप MRSA या स्यूडोमोनास अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने पेशेंट को जो है आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने की भी शर्त ये है कि आपने पहले रिप्रेजेंटेटिव कल्चर भिजवाएं, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट करवाएं, एंड आफ्टर 48 आवर्स जो है आप पेशेंट आपका जो है वो उसके कल्चर रिपोर्ट आ जाए, फिर आप डी एस्केलेशन करें। यानी आपने सस्पेक्ट किया कि पेशेंट का MRSA, आपने वेंकोमाइसिन स्टार्ट कर दिया, आफ्टर 48 आवर्स आपको पता चलता है कि पेशेंट को जो है स्टेप ऑडियस नहीं है, कोई कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड कोई इतना कोई पॉजिटिव एजेंट था और उसके लिए वेंको की जरूरत ही, सिंपल सेफ्ट्राइक्सोन से काम चल सकता है। आप डायरेक्ट डीएस्केलेशन भी कर सकते हैं आफ्टर 48 आवर्स जब आपके पास रिपोर्ट आ जाए। लेकिन उसमें ये है कि आपने डीएस्केलेशन लाजमी करनी है अगर आपके पास प्रूफ आ गया कि जी इस एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर एक चीज़ और भी है, अगर आपको लग रहा है बिलफर्स आप नहीं करवा सके कोई कल्चर वगैरह या कोई सैंपल्स नहीं करवा सके और आपने एम्पिरिकली कोई रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पेशेंट का कॉन्टैक्ट हो ऐसे किसी हाई रिस्क पेशेंट के साथ जिसका डॉक्यूमेंटेड हो, जैसे MRSA या स्यूडोमोनास एक्वायर हो चुका है, या ये है कि ऐसा पेशेंट है जिसके जिसने कहीं से एक्वायर किया है और आपको कंफर्म है कि जी ये सोर्स इसका ये है, यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म एक्वायर किया है ICU सेटिंग में। पेशेंट ICU में और पेशेंट्स के भी बिलफर्स MRSA या स्यूडोमोनास निकलते हैं, उनको एम्पिरिकली आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम 5 days के लिए दे सकते हैं विदाउट कल्चर। ये विदाउट कल्चर की शर्त वहाँ पे जहाँ पे भिजवा ना सके किसी वजह से, इसलिए नहीं कि आपने कल्चर ओमिट कर देना है, कल्चर फिर भी मस्ट है। लेकिन बेहतर स्ट्रेटेजी यही है कि आप कल्चर भिजवाएं, स्पूटम के ट्रेकल सेक्रेशन ले सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है, और उस कल्चर के साथ ही आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर दें। आफ्टर 48 आवर्स आप या तो पिन पॉइंट कर दें कि जी इस मार्के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये हमारी एंटीबायोटिक रहेगी, या अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई हार्मफुल या लीथल ऑर्गेनिज्म कोई रेजिस्टेंस वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं चलता तो डायरेक्ट डी एस्केलेशन करना, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया ही है तो उसके लिए शर्त ये है कि कल्चर ज़रूर भिजवाएं और जब कल्चर रिजल्ट आ जाए तो डी एस्केलेशन ज़रूर करें। ये नहीं है आपने वेंकोमाइसिन स्टार्ट कर दी और उसके आपने कल्चर नहीं भिजवाया। एक तो ये प्रैक्टिस को
छोड़ दें, अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर दी है, टेंजो स्टार्ट कर दी है, तो उसका स्पूटम कल्चर वगैरह जरूर होना है। और आफ्टर 48 आवर्स आ जाता है कि स्यूडोमोनस नहीं था, तो डी एस्केलेशन जरूर करें ताकि अपनी एंटीबायोटिक्स को आप लोग प्रिजर्व रखें। थोड़ी सी पॉइंट समझ आ गया, आमिर आप रिपीट करें। फाइट अब्दुल, वेट अ मिनट, आई नीड टू पोस्ट दिस। नहीं मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूं। एस्केलेट कैसे, एंटीबायोटिक को एस्केलेट कैसे? अच्छा जिस वक्त सर, जिसमें हमने टेंजो या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी है, और अगर 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 वो पेशेंट अल्टर्ड स्टेट में है, डिलीरियम में है, जिसके अंदर हम उसके स्पूटम का सैंपल नहीं ले सकते, आप उसके अंदर ट्रेकल सेक्रेशन कल्चर भिजवा सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये जो है ना माइक्रोब्यूरेट लेनी है, नीचे से उसे कट कर देना, नीचे से टाई कर देना, और टाई के नीचे वाला हिस्सा में कट कर देना, उसको आपने स्टिकिंग वगैरह ला के ऊपर एक और जगह से जो है उसे फिक्स कर देना। जो शॉर्ट एंड है उसको आपने अटैच करना है अपनी सकर मशीन के साथ, लॉन्गर एंड के साथ जो है वो आप ट्रेकिया के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर डालेंगे। जो सैंपल कलेक्ट होगा 1 to 2 ml इसके ट्रेकियल से पेशेंट, वो दैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर हमने सर पेशेंट को सपोज उसका जीसीएस इतना ज्यादा पोअर नहीं है, हमने एंटीबेट किया, वो सैचुरेशन उसके बगैर मेंटेन कर रहा है जी, आप तो इंटीबेट आप भी किया, आप एयरवे तो डाला ही होगा। अगर वो कफ आउट नहीं कर सकता सर, यार सकर मशीन से आपने एयरवे तो डाला ही उसकी रीजन ये है कि आपके जो है जब आप इस तरह से टिप वगैरह लेते हैं तो फ्लोरा होता है वो भी साथ आ जाता है, हमारी सेटिंग में तो वैसे के आप कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और मेरा नहीं ख्याल कि हर पेशेंट में जरूरत होती है, किसी किसी में जरूरत होती है। कभी इंशाल्लाह मौका होगा तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे करना। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एरोबैक्टीरियास को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपने स्यूडोमोनास को करना है। इनके आगे हम ट्रीटमेंट्स के ऊपर आते हैं। अब एम्पिरिकल एमआरएसए की एम्पिरिकल थेरेपी बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो फिर आगे कल्चर रिलेटेड हो जाएगी, कल्चर के बाद क्या होगी। एम्पिरिकल थेरेपी क्या है, 15 mg पर के जी 12 आवर दी, या नेक्सोलेट 600 mg 12 आवर में, और स्यूडोमोनास के लिए टेंजो 4.5 ग्राम पाइप्रोसिलिन एज़ोबैक्टर 6 आवर में, या सेफीपाइन सेफ्टाजिटाइम एस्ट्रोनेम ये सारी 2 ग्राम 8 आवर ली है, मीरोपेनम 1 ग्राम 8 आवर ली है, इमीपेनम 500 mg 6 आवर ली। मेरा ख्याल है कि हम अपनी सेटिंग में जब एंटीबायोटिक देते हैं तो एक एक हम वो टाइमिंग इनकी कम करते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर हमने करनी भी है तो स्टैंडर्ड रेजिम्स के ऊपर स्टिक करें। अच्छा ये वही डिटेल है जो मैंने सारी आप लोगों को बता दी है। एस्पिरेशन नमूनिया, कोई और? हाँ जी मैडम, एस्पिरेशन नमूनिया को कैसे मैनेज करेंगे? एस्पिरेशन नमूनिया में सबसे पहले तो पेशेंट की कॉज देखते हैं कि किस वजह से एस्पिरेट कर रहा है। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम प्रोकाइनेटिक्स देते हैं और ट्रॉप अप रखते हैं, फिर उसकी वो सेक्रेशंस कम करने को। वो तो हो गया नमूनिया के बाद सर, उसमें हम फ्लैजिल देते हैं, क्लिंडामाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस, क्लिंडामाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस। वैसे हम यहां पर सेफ एग्जांपल फ्लैजिल कॉम्बिनेशन देते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आप लोगों के लिए ना एक वो कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज है, एस्पिरेशन निमोनिया अकॉर्डिंग टू देम इट इज एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, गैस्ट्रिक कंटेंट्स आई है, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस इट रिजॉल्व्स इन 24 टू 48 आवर्स पर सेकंड। इसके लिए आपने कोई एंटीबायोटिक एनारोबिक का कोई कवरेज नहीं, अगर आप फ्लैजिल या क्लिंडामाइसिन का अब वो कहते हैं कि कोई बेनिफिट कोई नहीं है, वो आपने सिर्फ तभी देनी है जब लंग एब्सेस है या लंग बाइंडिंग।
इसके बाद एक चीज और है हेल्थ केयर एसोसिएशन। हां आगे प्रीवियसली इसके बारे में कहते थे कि जी इसका ये क्राइटेरिया ये जो है रेजिडेंसी नर्सिंग होम और अदर लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज या हॉस्पिटलाइजेशन मोर देन 2 डेज जैसे तो होम इंफ्यूजन थेरेपी क्योरिंग डायलिसिस होम वर्क केयर फैमिली मेंबर प्रीवियस इसका ये क्राइटेरिया था। अब वो कहते हैं कि जी हम इस टर्म को अमेंड कर इसको टर्म को खत्म कर टर्म को खत्म कर सीएमडीटी में तो पिछले साल के बजट में कर दी हुई पहले लिखा जरूर है 2019 की गाइडलाइन हां जी उसमें लिखा हुआ है कि ये खत्म हो गई है लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा हुआ कि हम बता देते हैं ये चीज क्या थी होती थी बस उन्होंने ये बताया कि ये एक चीज थी एग्जैक्टली गाइडलाइंस में भी ऐसे ही है कि जी ये चीज इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता था लेकिन ये है कि अब हम इस टर्म को अबैंडन कर रहे हैं। अब आपका जो भी पेशेंट होगा उसे आपने एज कम्युनिटी अकॉर्ड मुझे ट्रीट करना है जहाँ सिवियर है या नॉन सिवियर है। सिवियर है तो आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स भी भिजवाएंगे और अगर मेजर क्राइटेरिया या मोर देन 3 माइनर क्राइटेरियाज आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट इन्फ्लुएंजा के बारे में इन्फ्लुएंजा बड़ा कॉमन है कि इन्फ्लुएंजा की अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है तो फिर आपने इन्फ्लुएंजा की स्क्रीनिंग भी करनी है एंटीवायरल्स भी दे सकते हैं बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि हम आमतौर पर वायरल नमूनियाज में स्टीरॉयड्स दे देते हैं लेकिन ये यही कहते हैं कि जो स्टीरॉयड्स देने से जो है ये नमूनियाज वर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉसिव ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन स्टेप हो रहे हैं सब आपके स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इन्फ्लुएंजा या ग्रुप 1 स्ट्रेप्टोकोकल जो सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आओ वार्ड का जो हमारा दरमियान वाला दरवाजा है उससे ठीक है भाई अच्छी तरह रिकॉल कर लें जो जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी सर इसको देख के तो लगता है लेक्चर भी छोटा लग ऐसी प्रीवियस चीज़ों से कितना डिफरेंस हो रहा है हमारा एस्पिरेशन नमूनिया हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया वो टोटली डिफरेंट हो गए नमूनिया की मैनेजमेंट डिफरेंट हो गई मैंने थोड़े से एक ब्रेक ये भी लिया कि कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले लंग्स में बताएं ARDS हो सकता है और उसके अलावा क्लोरोफिल वाला हो सकती है उसके अलावा सर जो है एब्सेस डेवलप हो सकता है ऐसा हो गया। अच्छा इसको अगर आप इस तरह से करें एयरवेज में क्या हो सकता है एयरवेज में ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस हो सकता है लॉन्ग टर्म पेरेंटाइमल में हमारे पास लंग एब्सेस हो सकती है प्लूरा आ जाते हैं प्लूरोफियन हो सकती है प्लूराइटिस हो सकता है पेरेंटाइमल एम्पाइमा हो सकता है न्यूमोथोरिक्स हो सकता है पायनिमोथोरिक्स हो सकता है पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस अच्छा यही जो है इसके अलावा मजीद फर्दर देखें पेशेंट सेप्सिस सेप्सिस शॉक ARDS डेप यहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ पे रिमोट इन्फेक्शन हो सकती है रिमोट इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है यहाँ से देखें सबसे पहले लोकल देखें स्किन इन्फेक्शन हो सकती है बोन हो सकती है उसकी माइलाइटिस हो सकता है रिब आपके पास आ गया मसल हो गई तो मायोसाइटिस हो सकता है और देखें CNS इन्फेक्शन हो सकती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो सकती है नीचे रिमोट इन्फेक्शन लीवर में जा सकती हैं सेप्टिक एम्बोलाइज जा सकते हैं लीवर में स्प्लीन में किडनीज में जा सकते हैं तो ये इस तरह से एक पिक्चर जहन में रखें तो उसके बाद हो सकता है ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन जो हैं याद करना मुश्किल ही लेकिन लीवर भी है स्प्लीन भी है किडनीज भी है GI ट्रैक भी है उन सारी जगहों पर आपकी ये इन्फेक्शन जो है रिमोट इन्फेक्शन जा सकती हैं bones and joints are metastasizing non-involving pneumonia pneumonia जो कि standard antibiotic से बिल्कुल resolve नहीं होता तो उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं उसके अंदर तो ये है सबसे पहले तो आपने देखिए resistance of organism severity of pneumonia और last में आप उसके अंदर ये भी देखेंगे कि जी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव कौन से आ रहे हैं कोई और ऑर्गेनिज्म को नहीं है कोई इन्फेक्शन हो सकती है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं मिक्स इन्फेक्शन हो सकते हैं ठीक हो गया
फर्दर इसके अंदर आपने अपना डायग्नोसिस की बात का रिव्यू करना है क्या आपका डायग्नोसिस तो बात नहीं अगर इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अलावा वायरल नमूनियाज हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं इनके अंदर माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं फंगल हो सकती है पैरासिटिक हो सकता है फिर हम आ जाते हैं मेलिग्नेंसी पे मेलिग्नेंसीज भी हो सकते हैं कैंसर नॉन रिजॉल्विंग नमूनिया फिर हमारे पास आईआरडी आईआरडी में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो कि नमूनिक पैचेस या शेडोज दे सकते हैं बिल्कुल ये आप लोगों के पास नोड्यूल्स की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं और अगर पल्मोनरी एम्बोलस हो गया तो पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे जो मटेरियल आप लोगों को यहाँ से मैंने हायर बेसिकली ये बेस है अमेरिकन प्लास्टिक सोसाइटी गाइडेंस मेन ये दो ही है बी टी एस की गाइडेंस थोड़ा सा मैंने इसमें से ऐड जरूर किया लेकिन ये कि लेटेस्ट गाइडेंस है वो एटीएस की है और टीआरएस ने भी एटीएस को ही फॉलो किया ठीक है अगर देखना चाहें तो ये नेट के ऊपर अवेलेबल है ठीक है थैंक यू।